कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। Dear students, today we will discuss about a famous and popular lesson, Earth's magnetic field. देखो बेटा, chapter का वास्तव में नाम है magnetic field and Earth's magnetism. इस chapter में बेटा magnetic field में magnetism क्यों होता है, क्यों कोई material magnetism की property show करता है, and on the basis of magnetism, magnetism के आधार पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो आप जैसा कि समझ रहे हो डियर स्टूडेंट्स, लेसन का रियली नेम होना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। लेसन का नेम होना चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, ऐसा नेम था पहले, होना भी चाहिए। इस लेसन में, इन दिस लेसन वी स्टडी व्हाई एनी मैग्नेटिक मटेरियल शोज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब बेटा, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस किसी भी मैग्नेट का FeNiCO और उसके ओर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। किसी मैग्नेट को व्हेन इट फ्रीली हैंग्ड इट ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसी भी अगर हम मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटका दें तो वो कौसी डायरेक्शन में रुकता है बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सिमिलरली व्हेन एनी टू मैग्नेट्स कम नियर टू ईच अदर then they shows repulsion in singular poles and attraction in different poles। ये भी प्रॉपर्टी पढ़े हो मैग्नेट की, कि अगर दो मैग्नेट के सेम पोल को पास लाए दे shows repulsion, और डिफरेंट पोल को पास लाए दे shows attraction। ये सब मैग्नेटिक में प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। इसी को तो हम मैग्नेटिक में बोलते हैं कि यार जो जो मैटर ये सब दिखाएं दे आर मैग्नेट्स, और दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मींस व्हाट्स आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फर्स्ट मैग्नेट्स आर ओनली ओर ऑफ आयरन Fe2O3। याद आया, मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटाइट ओर होते हैं आयरन के, इधर क्लियर। दूसरा था कि ऑल द मटेरियल्स विच अट्रैक्ट निकेल लोहा कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज देयर मिक्स्ड मटेरियल्स दे आर मैग्नेट्स। व्हेन मैग्नेट्स आर फ्रीली हैंग्ड दे ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली हैंग करें तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। और बेटा, कोई भी मैग्नेट हमेशा ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, दो पोल होंगे, देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेट हैविंग सिंगल पोल। ऐसे मैग्नेट का कोई अस्तित्व तो नहीं है जिसमें सिमिलर पोल हो, याद है बेटा। और बताए थे कि सिमिलर पोल्स में रिपल्सन, डिफरेंट पोल्स में अट्रैक्शन। एक और प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म के तहत बताए थे, क्या मैग्नेट शोज इंडक्शन प्रॉपर्टी। व्हेन एनी बॉडी इज प्लेस्ड इन द कांटेक्ट ऑफ एनी मैग्नेट इट बिकम आल्सो मैग्नेट, इट स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ब्लेड वाला, याद है। तो बेटा, ये जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकना या जो भी बताए, इस लेसन में मैग्नेटिक मटेरियल में बी डिफाइंड बी डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर विच मैग्नेट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या समझ में आया बेटा, कि इस लेसन में हमें स्टडी करना था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं कोई मैग्नेट जो है ये सारी प्रॉपर्टी
क्यों दिखाते, व्हाट्स आर द रीजन फॉर द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी का रीजन क्या है। और अकॉर्डिंग टू मिस्टर फैराडे, फैराडे ने प्रूव किया था ऑल द मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड कंटेन मैग्नेटिज्म। क्या मतलब बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया के जितने मटेरियल हैं सभी में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। ऑल द मटेरियल्स ऑफ द वर्ल्ड कंटेन मैग्नेटिज्म बट इन डिफरेंट अमाउंट, सम हैज लार्जर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड सम हैज लेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म, सम हैज इग्नोरेबल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दुनिया के सभी मटेरियल में होते हैं। फैराडे ने बकायदा अलग अलग मटेरियल में प्रूव करके दिखाया था। एंड मिस्टर फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिवाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिज्म या मैग्नेट मटेरियल्स आर थ्री टाइप्स। मिस्टर फैराडे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, समझ रहे हो, जैसे कि आप जो है रिसर्च करोगे माइकल फैराडे की थेसिस को, कि उन्होंने बताया कि सारे के सारे मटेरियल दुनिया के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम ज़्यादा रखते हैं और इसलिए जो है उनको हम कितने टॉपिक में बांट देते हैं, एक ऐसे मटेरियल जिनमें जो है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एक ऐसे जो है मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी माइनस में हो, रिवर्स हो, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो तीन तरह के जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए और सभी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आई इसका भी उन्होंने डिफिनेशन दिया, समझाया। लेकिन बच्चों आप सबके लिए सहूलियत ये है कि ये सारी चीज़ें जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे और जो भी हम डीप में डिस्कस करना चाहते थे ये सब कोरोना की वजह से कट गए हैं। अब इस लेसन में हमें फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये सब मटेरियल्स नहीं पढ़ने हैं, ना ही ये पढ़ना है कि कौन से रीजन से कोई भी जो है मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, पढ़ना नहीं है, कोर्स से आउट हो गया। हमको केवल अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इसलिए हमने लेसन का नाम मैग्नेटिक मटेरियल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म के बजाय अर्थ मैग्नेटिज्म डाला। हाँ, ये आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो गया है कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है, तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको समझा दूं कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं और जो है फैराडे ने क्या जाना, कोर्स में नहीं है, ठीक। इसलिए दो तीन लाइन बताने के बाद हम आगे चले जाएंगे, ठीक, विदाउट कोर्स चीज नहीं पढ़ाएंगे। तो देखो जरा, दुनिया के सारे मटेरियल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रखते हैं, मैग्नेटिज्म होते हैं क्यों, वाई। देखो बेटा, ऑल द मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एटम, दुनिया के कोई भी मटेरियल होंगे, हम, आप, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, आयरन, पीतल, कुछ भी, सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होंगे, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस, से मटेरियल, ठीक है ना। तो ईच मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और एटम के अंदर आ जाओ बेटा, इन एटम या ईच एटम ऑफ एनी मटेरियल कंटेन्स न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट्स। कोई भी मटेरियल किसका बना होता है, एटम्स का, और एटम्स के भीतर में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते हैं कि नहीं। अब थोड़ी देर के लिए जो है इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मींस चार्ज इज फ्लोइंग अराउंड द न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू मिस्टर अरेस्टेड, मर गए बताकर अरेस्टेड बताए हैं, प्रूव किया है कि जब कभी चार्ज फ्लो हो या जब कभी करंट फ्लो हो कहीं भी, तो उसके चार्ज क्या बन जाता है, मैग्नेटिक बन जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अरेस्टेड थियरी, व्हेन चार्ज फ्लोस, व्हेन करंट फ्लोस थ्रू एनी मटेरियल, देन देयर विल बी प्रोड्यूसिंग ऑफ मैग्नेटिज्म,
उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, प्रूफ हो जाता है। बल्कि आपने बायोर सेवटला से और एम्पियर सर्कुटला से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन भी किया है। किया है ना बेटा? इट मीन्स ईच एटम ऑफ एनी मटेरियल इज अ स्मॉल टाइप ऑफ मैग्नेट। अगर एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चाचा रिवॉल्विंग कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मींस उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं? मींस ईच एटम कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। यू कैन से एटम्स आर अ स्मॉल मैग्नेट। हुए ना बेटा? उनमें मैग्नेटिज्म है तो छोटे मैग्नेट हो गए नहीं? एंड मटेरियल्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। और जो पूरा मटेरियल होता है उसमें तो बहुत हजारों लाखों एटम्स होते हैं, तो थोड़ा 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 मैग्नेटिक मिला करके पूरे मटेरियल के पास लार्ज नंबर का मैग्नेटिज्म आ जाता है कि नहीं? तो दिस इज द रीजन ईच मटेरियल्स आर अ टाइप ऑफ मैग्नेट, कंटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ में आ गया बेटा? तो ऐसे ही जो है फैराडे ने दिखाया था। और उन्होंने जो है एक सोलेनोइड लिया था। सोलेनोइड के भीतर अलग अलग मटेरियल की राड रखते थे, तो देखते थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है उनकी संख्या बढ़ती घटती है। माने कुछ मटेरियल की प्रेजेंस में वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था सोलेनोइड के कारण कम था, और कुछ मटेरियल की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन मिलने लगी, तो मतलब जो है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, माने उस मटेरियल का मैग्नेटिज्म ज्यादा था, जिससे जो है सोलेनोइड में प्रेजेंस होने के कारण सोलेनोइड का मैग्नेटिज्म और उस मटेरियल का मैग्नेटिज्म इकट्ठा होकर के ज्यादा मैग्नेटिज्म बना लिया, और जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन ज्यादा क्रिएट हो रही थी। हमारे कहने का मतलब जान भी नहीं समझ पा रहे बेटा। मिस्टर फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया सोलेनोइड पर। तो जैसे बेटा अगर ये सोलेनोइड है, लुक हियर, सोलेनोइड मतलब इन एनी सोलेनोइड देयर विल बी अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल पाइप होगी एंड इट इज कवर्ड या वुंडेड बाय एनी कॉइल। किसी कॉइल से जो है क्या होगी? वुंडेड होगी और लुक लाइक दिस। व्हेन करंट फ्लोस थ्रू दिस कॉइल there will be current carrying solenoid। ये current carrying solenoid बन गई और इसके around क्या बना बेटा? magnetic field। और अब इस जो है magnetic field को Mr. Faraday ने magnetic force line के द्वारा जब दिखाना चाहा तो देखा कि ये इस तरह से magnetic force line ऐसे बन रही थी। फैराडे को इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लाइन दिखी जबकि इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है? जब उन्होंने ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लाइन दिख रही थी, इस तरह से मिल रही थी, कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड के कारण बने मैग्नेटिक फील्ड से कुल कितनी मैग्नेटिक फोर्स लाइन दिख रही है अंदाज के? कितना आपने बनाया? पांच दिख रही थी, पांच इनको दिखी, एक गेस कर रहे हैं। जबकि जो है सोलेनोइड में कोई भी मटेरियल की प्रेजेंस नहीं थी। अब इन्होंने अलग अलग मटेरियल की प्रेजेंस करने लगे, रखने लगे रॉड अलग अलग मटेरियल्स की। जैसे समझो जो है वो ग्लास रॉड रख दी इसके, या सोडियम क्लोराइड की रॉड, मैग्नीशियम क्लोराइड की रॉड जब रख दिए तो उनको दिखाई दिया तब मैग्नेटिक फोर्स लाइन और ज्यादा मिलने लगी। क्या हो गई बेटा? मैग्नेटिक फोर्स लाइन ज्यादा मिलने। कब? व्हेन ही प्लेस्ड एनी कैल्शियम क्लोराइड रॉड और सोडियम क्लोराइड रॉड, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रॉड है दैट कंटेन्स सम मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए जब उसको यहां पर रख रहे हैं तो इस सारे नोएड का मैग्नेटिक फील्ड और उस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर इकट्ठा हो गए और ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन दिखने लगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अब मैग्नेटिक फील्ड अब बढ़ गया। कहने का मतलब जब जो है सोलेनोइड के भीतर उन्होंने कुछ नहीं रखा था फैराडे ने, तो
तो चार पांच बैंक की पोस्ट लाइन मिल रही थी, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट का बैंक नेटेज में इस सोलेनोइड करेंट सोलेनोइड कारण बन रहा था। जब उन्होंने इसके भीतर सोडियम क्लोराइड की राड रखा तो उन्हें दिखाई दिया कि सात आठ मैग्नेटिक फोर्स लाइन बन गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया। कब बढ़ा? एट द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड के पास खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड था और उसकी प्रेजेंस जब जो है सोलेनोइड में हुई तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड और सोडियम क्लोराइड का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठा को ज्यादा हो गया और रिजल्टाइड के रूप में ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन मिल रही है। समझ गए? तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड इज अ सच टाइप ऑफ मटेरियल विच कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसकी उपस्थिति में एक्सटर्नल फील्ड बढ़ गया, इसलिए 6-7 लाइन हो गई। जब इन्होंने फैराडे ने इस जो है सोलेनोइड में आयरन राड या निकिल राड या कोबाल्ट की राड रखा तो इन्होंने देखा बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन मिलने लगी, बहुत ज्यादा। इसका मतलब इस तरह की राड की प्रेजेंस से मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मीन्स आयरन निकेल कोबाल्ट आर सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड एट द प्रेजेंस इन एनी एक्सटर्नल फील्ड द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेड वेरी मच। नहीं समझे कि ये जो आयरन राड या कोबाल्ट राड या निकेल राड है इनका अपना खुद का मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता है और जब ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लाइन अब यहाँ ज्यादा मिल रही है। तो मटेरियल अभी तक कितने टाइप के दिखे? दो। एक तो मिले जिनकी प्रेजेंस से थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, एक ऐसे मिले जिनकी प्रेजेंस से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, मतलब एक ऐसे मैटर थे जिनमें थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड था और एक ऐसे मैटर थे जिनमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था। कुछ ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसे इसमें डायमंड की राड रख दिया उन्होंने, सिल्वर की राड या सोने की राड, गोल्डन राड जब रखा तो जो पहले की 5 थी जानवी मीटर वो भी कम हो गई, माने जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन अब घट करके 2-3 हो गया। कब? जब जो है गोल्डन राड या सिल्वर राड या डायमंड राड को हम यहां पर रख रहे हैं, when silver rod या golden rod या diamond rod presents in the solenoid then magnetic force line which are as output become less than before। इसका मतलब पहले से भी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। It means diamond and etc material containing such type of magnetic field which is in opposite nature of external magnetic field। मतलब कि ये जो material है इनके पास ऐसा magnetism है जो opposite nature का external field के, और इसलिए इनकी presence से external field का खुद का magnetism घट गया, दोनों opposite nature के थे। ऐसे material को paramagnetic material कहा गया। तो भाई जब ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, अब फेरो मैग्नेट पैरा मैग्नेट ऐसे ही 2-3 तरह के जो है मटेरियल से जिनका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड हो, जिनकी प्रेजेंस से एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक वाला बढ़ जाए, कुछ ऐसे मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बढ़ाते हो, कुछ ऐसे मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा बढ़ाते हो, कुछ ऐसे मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर देते हो, कम कर देते हो, 3 तरह के हुए थे। तो अब ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, और ये सब होता भी क्यों है ये सब का भी डिस्क्रिप्शन हम लोग कोरोना के पहले पढ़ते थे, कोरोना ने खा लिया है। तो हम बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिक, ये सब बेटा ऐसे ही बता दिए, ठीक है? कोर्स से कट गया है, कोरोना के कारण कट गया, अगले साल फिर पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा मजेदार था, थ्योरेटिकल था। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? जानवी बेटा क्या समझ में आया? कि ईच टाइप ऑफ मटेरियल कंटेन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में मैग्नेटिज्म, बट ऑफ डिफरेंट नेचर। सभी मटेरियल दुनिया के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन डिफरेंट नेचर में। सब मटेरियल कंटेन सच टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म बाय प्रेजेंस ऑफ विच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड समथिंग इंक्रीज है। सम मटेरियल कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म बाई प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड
इंक्रीजेड वेरी मच एंड सम टाइम डिक्रीजेड, मतलब कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका मैग्नेटिक इस प्रकार होता है कि वो एक्सटर्नल फील्ड में उपस्थित होकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्रेजेंस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस होता है, लेकिन मैग्नेटिक में सभी मटेरियल से होता है, कुछ में एक्सटर्नल फील्ड के जैसे नेचर वाला और कुछ में अपोजिट नेचर वाला, पैरा मैग्नेटिक अपोजिट, फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा आयरन वगैरह है, रेडवुड लोहे निकल वगैरह, तो बाय द वे अर्थ मैग्नेटिक हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है, इसलिए उसके बारे में हमें जानना नहीं, इसके बारे में डिटेल में जानो। देखो बच्चों, आपको बता देना चाहेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ाने में चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 2 घंटे मिल जाए तो एक ही दिन में खत्म हो जाए। ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन से पूछा जाता है, पूछो तो बताऊँ। देखो, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर या 4 नंबर का आता है हमेशा, डिस्क्राइब व्हाट्स आर द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, नहीं समझे, डिस्क्राइब अबाउट द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म के कंपोनेंट क्या है, समझाओ, 3 नंबर या 4 नंबर में आता है। तो एक ही हेडिंग, मात्र यही एक इकलौती हेडिंग इस लेसन में पूछी जाती है, आंसर पेपर उठा देखोगे तो इसी का क्वेश्चन बुक में आया होगा या आंसर पेपर में आया होगा, और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, चैप्टर पढ़ाओ तो भले लेकिन एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, आपको पढ़ाऊंगा कि देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक के कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, डिक्लाइन एंगल, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, कितने होते बेटा 3, कौन कौन, डिक्लाइन एंगल दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिप नति या नमन कोण, और तीसरा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, ये 3 टॉपिक पर लिखना आता है। कभी 1-8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट एंगल ऑफ डिप या व्हाट इज द डिक्लाइन एंगल, ऐसे कुछ पूछ लेता है, आंसर तक देखो हमेशा पूछा हुआ है। तो 1-3 नंबर के आ गया, और दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इस लेसन का आसिफ डान है वो है इस लेसन का न्यूमेरिकल, इस लेसन में मात्र 3 तरह के न्यूमेरिकल है, मुश्किल से हम 7 न्यूमेरिकल 8 बनवा के करा सकते हैं आपको, क्योंकि एक एक टॉपिक पे 2-2 3-3 करा देंगे 7-8 हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वो पूछा जाता है 2-3 नंबर में, 5-6 नंबर की चीज जो है लेसन से बनती है। ठीक, तो चलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, आप सभी लोग मैग्नेटिज्म जानते हो, और अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया व्हाट्स आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, जिन प्रॉपर्टीज का नाम लिया जो है कामिल जी, वो प्रॉपर्टीज अगर कहीं रहे तो हम जान जाएंगे कि वहां जो है मैग्नेटिज्म है, वो मटेरियल मैग्नेट है। अर्थ सोज, ध्यान सुनना, अर्थ सोज सम स्पेशल वर्चूज व्हिच प्रूव अर्थ इज आइदर अ टाइप ऑफ मैग्नेट और देयर विल बी अ ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड इन इट, अंडरस्टैंड, नहीं समझे, एक बार फिर से बता दे, अर्थ सोज सम वर्चूज, अर्थ कुछ ऐसे गुण दिखाती है Which प्रूव, जो ये प्रूव करता है आइदर अर्थ इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट, या तो पृथ्वी एक प्रकार की मैग्नेट खुद है और इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट, या इसके भीतर हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड है, हाई अमाउंट का कोई मैग्नेट रखा है जिसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी हुई है। आप समझ रहे हैं बेटा, अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट आर इट सोज देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एनी हाई मैग्नेटिक मटेरियल इन इट, तो अर्थ कुछ ऐसे गुण दिखाती है जिसे प्रूफ होता है कि या तो अर्थ मैग्नेट है या अर्थ के भीतर
कोई एक बड़ा सा मैग्नेट रखा गया है और जिसके कारण अर्थ जो है मैग्नेटिज्म दिखाती है, मैग्नेट प्रॉपर्टी दिखाती है। तो क्या क्या बातें हैं जिससे यह साबित होता है या सत्यापित होता है, सुनो, ध्यान सुनना बेटा। वी डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज व्हिच शोज अर्थ इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट। अभी हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रहे हैं, आपको सुझाने जा रहे हैं कि जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारी अर्थ एक प्रकार की खुद की मैग्नेट है, या ये समझ में आएगा कि इसके भीतर कोई बड़ा सा मैग्नेट रखा गया है और इसीलिए अर्थ का मैग्नेटिज्म दिखता है या पता चलता है। ये अर्थ मैग्नेटिज्म माने अर्थ का चुंबकीय गुण क्यों होता है, काहे होता है, पहले डिस्कस करें। देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर अभी हम कोई एक आयरन रॉड ले या निकिल रॉड ले या कोबाल्ट रॉड, इफ वी टेक एन आयरन रॉड आर एनी निकिल रॉड आर एनी कोबाल्ट रॉड एंड इफ इट इज प्लेस्ड इन सम डेप्थ बिलो साइड फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के काफी नीचे उस जो है रॉड को हम रख दे, बट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब आसिफ डन जमीन की खुदाई करके दे और खुदाई करने के बाद कोई छोटी सी रॉड निकल या कोबाल्ट की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके उसको जमीन के भीतर गाड़ दो। यही कहने का मतलब है कि इफ बी प्लेस्ड एनी आयरन और निकिल और कोबाल्ट रॉड एंड पुट इट बिलो द अर्थ लेवल फॉर सम टाइम बट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। समझ गया बेटा, कोई हमने कह लिया भी है एक रॉड और इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखकर जमीन के भीतर गाड़ दिए, आफ्टर सम डेज, दो तीन महीने बाद या 10-20 दिन बाद, व्हेन यू रिकवर द रॉड, जब आप जो है रॉड को लोगे, देन यू फाइंड दिस रॉड बिकम मैग्नेट, ये रॉड मैग्नेट बन गई होगी, मींस इट स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगेगी। अगर इसको जो है फ्रीली टांग दोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रुकेगी, इसके बगल लोहा निकल कुमार लाओगे तो उसको अट्रैक्ट करेगी, शॉर्टली इट बिकम मैग्नेट, स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आप जो है समझो कि दिस रॉड व्हेन प्लेस्ड इन अर्थ देन इट बिकम मैग्नेट, तो इससे आपको क्या पता चलता है, कोई भी बॉडी हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी दिखा सकती है, तभी बन सकती है जबकि वह खुद मैग्नेट के कांटेक्ट में हो, मतलब इंडक्शन प्रॉपर्टी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताए थे कि जब कोई मैग्नेट के कांटेक्ट में कोई ब्लेड रख दो तो ब्लेड मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। नहीं, ये हमारी रॉड मैग्नेट बन गई, स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब, जब ये कांटेक्ट ऑफ अर्थ थी, तो अर्थ के कांटेक्ट में होने के कारण इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। इसका मतलब या तो अर्थ मैग्नेट है या तो अर्थ के भीतर हाई फाई अमाउंट का मैग्नेटिज्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म है, जैसे हम अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये एक बात हुई जिससे पता चल रहा है कि अर्थ के पास अपना खुद का मैग्नेटिज्म है, या तो अर्थ खुद मैग्नेट है या तो अर्थ के भीतर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला फील्ड है। समझ आया बेटा, एक बात से पता लग रहा है, ये एक बात साबित कर रही नहीं आपके मैग्नेटिज्म को। दूसरा बेटा, मैग्नेट क्या है, हमने आपको बताया था मैग्नेट क्या है, मैग्नेट जो है आयरन के जो है या फिर 2O3 ओर है। अब बेटा याद करो, जो अर्थ का पेट है, स्टोमच अर्थ का, उसके भीतर खान है बहुत सारी, जहां से कोयला निकाला जाता है, सोना चांदी एल्युमिनियम जत्ता, अलग अलग जगह खान है कि नहीं, बिहार में कोयला निकाला जा रहा है तो गोलकुंडा में सोना चांदी निकाला जा रहा है, ऐसे है कि नहीं। तो बच्चों ये जो है हमें पता है कि जितने भी जो है नेचुरल मटेरियल्स और मेटल्स हैं वो सब अर्थ के गर्भ में मिलते हैं, तो अर्थ के भीतर लोहे का एक अपार भंडार है कि नहीं, माने अर्थ के भीतर लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में रखा है कि नहीं, खुदाई करके वही तो लोहा निकाला जाता है, और जो चीज अंदर होती है वो ओर पार में होती है,
अयस्क के रूप में होती नहीं, जमीन के भीतर से खुदाई करते हैं तो ओर मिलता है हमें, उससे मेटल हम अलग करते हैं, यही तो जानते हो। तो इसका मतलब ओर आयरन का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट यही सबसे होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ के स्टोमच में देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइट और ऑफ आयरन। मतलब अर्थ के भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में अरबों खरबों टन या 53 रखा है कि नहीं, माने अर्थ के भीतर एक हाई फाई मैग्नेट रखा है और ड्यू टू दिस अर्थ सोज मैग्नेटेड। हम जान रहे हैं कि जमीन में बहुत सारी खान है जहां से अलग अलग मेटल्स निकलती हैं, तो अर्थ में आयरन की भी खान है। खान मतलब यहाँ माइन से है, आयरन की माइन भी है, और जहां आयरन निकाला जाता होगा वहां पर आयरन अंदर किस रूप में होगा, ओर फॉर्म में। मैग्नेटाइट भी तो होगा वहां, और जब अर्थ के भीतर मैग्नेटाइट बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हुआ है इसका मतलब अर्थ के भीतर क्या रखा है, मैग्नेट रखा है ह्यूज टाइप का, और इसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाती है। तो दूसरा वजह अर्थ के मैग्नेटिज्म का ये हो गया कि नहीं, हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म होता होगा। और एक बात बेटा, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के नीचे मेटल्स आर इन मेल्टिंग स्टेट, नहीं समझे। जमीन के भीतर जो धातुएं होती है वो पिघली हुई गलित अवस्था में होती है, मीन्स मेटल आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस में या निगेटिव आयंस में होती है ना, केटायन या आयंस मेटल्स के जो है जमीन के भीतर होते हैं कि नहीं। और जब जमीन के भीतर आयंस है मीन्स देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज इन द बिलो अर्थ, जमीन के भीतर जब बहुत ज्यादा मात्रा में मेटल्स मेल्टिंग स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में है और आयनिक स्टेट में है, उनके आयन के फ्लो से, चार्ज के फ्लो से अरेस्टेड की थ्योरी याद आनी चाहिए, चारों तरफ मैग्नेटिक बनता होगा कि नहीं। तो ड्यू टू दिस इस वजह से भी अर्थ का मैग्नेटिक होता है कि नहीं, समझ आ रहा है। एक और बात, अगर हम ये कामिल ध्यान देंगे, इफ वी हैंड फ्रीली एनी मैग्नेट Then it always stayed in north south direction. यहाँ पर देखो बेटा जाननी, ये हमारी बेटा अर्थ है, इसके कांटेक्ट पे अगर हम कोई मैग्नेट लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है कि नहीं। साइंटिस्टों ने इसमें भी दिमाग लगाया कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तभी रुकेगा, ये अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन है और ये अर्थ की साउथ डायरेक्शन, और इसके ऊपर अगर हम कोई मैग्नेट लगा दे रहे हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ पोल दिखा रहा है, है ना। ऐसा तभी पॉसिबल है कि जबकि अर्थ के भीतर एक ह्यूज टाइप का मैग्नेट रखा हो, भारी भरकम मैग्नेट रखा हो, पावरफुल मैग्नेट रखा हो। साइंटिस्टों ने गणित बताई यहां कि इट पॉसिबल ओनली इफ देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट ऑफ हाई फाई मैग्नेटिज्म इन द अर्थ, बट इट्स पोल्स आर अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स साइड। मतलब कि ये जो मैग्नेट रखा हो हमारे अर्थ की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन रखा हो, माने इस साइड इस मैग्नेट का यस पोल हो और इस साइड इस मैग्नेट का यंग पोल हो। अब समझो जानवी बेटा, कल्पना करो कि अगर जमीन है, ये जमीन के भीतर कोई एक भारी भरकम बहुत बड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला कोई एक मैग्नेट रखा हो जिसका साउथ पोल किधर हो, नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ पोल किधर हो, अगर हम ऐसा जमीन के अंदर रख दे, और अगर ऐसा रख दे और अब हम इसके सामने कोई मैग्नेट लेके खड़े हो जाए, हम जानते हैं देयर विल बी अट्रैक्शन इन अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है ना। तो ये जो हाई फाई मैग्नेट है इसके सामने कोई मैग्नेट आएगा तो अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होगा, तुरंत जिधर इसका साउथ पोल होगा हमारे वाले मैग्नेट का खट से यंग पोल आ जाएगा उधर।
और जिधर इस मैग्नेट का यंग पोल होगा हमारे वाले मैग्नेट का उधर तुरंत क्या आ जाएगा, माने वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, रुकेगा ना। तो ये तीसरी जो है कहानी थी जो अर्थ मैग्नेटिक को प्रूव कर रही थी। नहीं समझ में? साइंटिस्ट एक्सप्लेन व्हेन एनी मैग्नेट रियली हैंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ अर्थ देन इट ऑलवेज स्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। It is possible only if there will be a high magnetic magnet is placed in the earth but in opposite direction of its pole. इसके पोल जो है अपनी डायरेक्शन में रखे हो तभी ऐसा हो सकता है। और इसका मतलब there will be magnetic property of earth which is magnetic। मतलब इस बात से भी पता चलता है कि अर्थ का अपना कोई एक मैग्नेटिक होता है जिसकी वजह से कोई भी जो है मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। समझे? तो ये दो तीन चार बातें प्रूव कर रही हैं कि अर्थ का अपना या तो मैग्नेटिक में है, अर्थ खुद मैग्नेट है, या अर्थ के भीतर हाई फाई मैग्नेटिक फील्ड वाला कोई मैग्नेट रखा हुआ है। समझ आए? और बेटा एक और बात जो कभी साइंटिस्ट काट ही नहीं सकते, कोई काट ही नहीं सकता, लेकिन उसके पहले फर्जी बात बता रहा हूं। देखो बेटा, ड्यू टू ज्योग्राफिकल एंड केमिकल इफेक्ट इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अर्थ देयर विल बी स्टार्ट फ्लो ऑफ अ करेंट। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हो कि जो पृथ्वी है इसके भीतर बहुत गर्मी होती है, पृथ्वी के परतों के भीतर, तो इस वजह से भौगोलिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और जो है संवहन धाराएं, अगर पढ़े हो कुछ करेंट, कौन करेंट, हाँ, तो करंट फ्लो करती रहती है किसके भीतर, अर्थ के भीतर, जिससे अर्थ को एक वगैरह आती है। तो जो अर्थ के भीतर अगर करंट फ्लो कर रही है, तो अर्थ के भीतर अगर करंट फ्लो हो रही है, फ्लो ऑफ करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट के फ्लो होने से भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बेटा। एक और बात बेटा जानवी, तुम जानते हो कि हम लोग जब कभी जो है पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, तो जानते थे कि अर्थ बिहेव्स लुक लाइक ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने अर्थ के पास बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। अर्थिंग दे नहीं देते हो, कहीं जोड़ते हो तो अर्थ माइनस की जगह इसको लगा देते हो, अर्थ से जोड़ देते हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सर्किट उर्किट में। तो अर्थ इज ऑल टाइप ऑफ ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने अर्थ के पास इलेक्ट्रॉनों का सागर है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है, मींस इट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और जहां चार्ज होता है वहां चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात से भी पता चलता है कि अर्थ के अपना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और बेटा अगर कभी हम मैग्नेटिक फोर्स लाइन खींचते हैं किसी मैग्नेट का, पेडिकल करते हैं, तो वहां न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, कहीं ऐसी जगह मिलता है जहां बल रेखाएं कट हो जाती है, माने समाप्त हो जाती है। तो समाप्त तभी हो सकती है जबकि उनके अपोजिट और इक्वल कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वहां हो, वो रहता है अर्थ का। इस कारण भी मैग्नेटिक फोर्स लाइन न्यूट्रल पॉइंट दिखाती है। एक और वजह बताने जा रहा है जिसको साइंटिस्ट काट ही नहीं सकते कि अर्थ मैग्नेट होती है, और आप भी समझ जाओ। देखो बेटा, अरिस्टोटल बताए थे या आप भी जानते हो कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो और वहां कोई कंपास नीडल लाई जाए, क्या इट स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट होने लगती है बेटा। तो अगर अभी हम कहीं कोई कंपास नीडल लेके अर्थ पर खड़े हों तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो अप करती है, जिधर जाएंगे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिधर जाएंगे डिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो इसका मतलब ये जो नीडल है कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, डिफ्लेक्ट तभी हो सकती है जबकि इसको कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस हो, मिला हो, ठीक है। तो इट इज द रीजन अर्थ सब दीज आर द प्रॉपर्टीज बाय विच इट इज प्रूव्ड आइदर अर्थ इज अ मैग्नेट, इट हैज इट्स पर्सनल मैग्नेटिज्म, और देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हाई फाई मैग्नेट इन इट। समझ में आ गया बेटा? ये सारी बातें, छड़ का उत्तर दक्षिण दिशा में रखने पर चुंबक बन जाना, मेटल्स का मेल्टिंग स्टेट में होने पर चार्ज का फ्लो होना, अर्थ का ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, अर्थ के भीतर बहुत सारी करंट का फ्लो होना,
मैग्नेटिक फोर्स लाइन खींचने पर न्यूट्रल पॉइंट मिलना, किसी भी मैग्नेट को लटकाए जाने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकना, और अर्थ के पेट में हाई फाई मात्रा में या फिर 203 की प्रेजेंस होना, ये सारी बातें प्रूव करती हैं कि या तो पृथ्वी खुद एक चुंबक है या तो इसके भीतर कोई बड़ा सा चुंबकीय पदार्थ रखा गया है। ठीक बेटा, और तब साइंटिस्टों ने माना कि हाँ अर्थ जो है एक मैग्नेट है, और अर्थ के मैग्नेट को अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। और हम लोग जो है कल की क्लास में डिफाइन करेंगे कि जैसे हमारी ये अर्थ है और इसकी डायरेक्शन इधर नॉर्थ साउथ है, ठीक है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसका नॉर्थ और साउथ कहाँ होता है ये हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिज्म का नॉर्थ साउथ कहाँ रहेगा इसको मैं बताऊंगा कि तमाम साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। जानवी बेटा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंपास निडिल लिया। क्या लिया बेटा? He took a compass needle and take one complete revolution of Earth. मतलब क्या बताया बेटा? कंपास निडिल लेकर पृथ्वी का पूरा एक परिक्रमा किए। ठीक? He found four things. वो चार चीजें पाए। At two places. सुनाई दे रहा है? कि एक साइंटिस्ट जो है एक कंपास निडिल लिए है जो कि फ्रीली डिफ्लेक्शन दिखा सकती थी, और ही टुक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का एक पूरा लेलहन सुई सुई लाई के पूरा अर्थ के एक चक्कर लगाए, चार जगह ठिठके, चार जगह कुछ विशेष बात पाए। क्या? दो जगह उन्होंने देखा कि जो कंपास निडिल की निडिल है दो प्लेसेस पर, एट टू प्लेसेस द निडिल ऑफ दैट कंपास मैग्नेट बिकम परपेंडिकुलर टू द लेवल ऑफ अर्थ। नहीं समझे? ये जो निडिल लेके टहल रहे थे ऐसे ऐसे दो जगह, एक यहाँ एक यहाँ, ये जो निडिल है हर जगह डिफ्लेक्शन दिखा रही थी लेकिन दो जगहों पर ये कंप्लीट परपेंडिकुलर, इट बिकम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के क्या हो गए जो है परपेंडिकुलर, एंड दीज प्लेसेज आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द अर्थ। ऐसे प्लेस को जहां पर जो है कंपास निडिल बिकम परपेंडिकुलर, जहां पर जो है कंपास निडिल पूरी तरह अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है वे प्लेसेस क्या होते हैं? पोल्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक। और बेटा दो जगह परपेंडिकुलर हो रही है, तो जिस जगह इस कंपास निडिल का नॉर्थ वाली सुई नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द अर्थ अर्थ की ओर रुके वो प्लेस नॉर्थ पोल हुआ, और जिस प्लेस पर कंपास निडिल का साउथ वाला पोल टुवर्ड्स द अर्थ रहे। भाई इसमें कंपास निडिल में दो पोल है कि नहीं? मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये हम लेकर टहल रहे हैं, निडिल यहां पर ऐसे हो गई और यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर दोनों जगह हो रही है, बट वन प्लेस पर इसका नॉर्थ इन टुवर्ड्स अर्थ अर्थ की ओर है और वन प्लेस पर इसका साउथ इन टुवर्ड्स अर्थ है। व्हिच प्लेस द कंपास निडिल बिकम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ दैट प्लेस इज कॉल्ड पोल्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक, एंड एट विच प्लेस नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास निडिल इज टुवर्ड्स द अर्थ दैट प्लेस इज नॉर्थ पोल, एंड विच प्लेस कंपास निडिल का साउथ पोल टुवर्ड्स द अर्थ दैट प्लेस इज साउथ पोल। आपको दिखाई कल कि ये अर्थ मैग्नेटिक जो है वो इस तरह से रहा, इधर साउथ पोल रुका और इधर यहां पर निडिल ऐसे रही होगी जिसका साउथ एंड अर्थ की ओर आइए। ये बेटा इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली रेखा जो है मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक, और इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली रेखा ये जानी रहे हो ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाती है। इधर क्लियर? तो हम लोग आगे डिस्कस नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट डे में करेंगे। काइंड बोला।